लगे थे 2005 में आई थी ये स्कीम एनएचएम की, तब था हमारा जच्चा बच्चा और जो एंटीनेटल केस था उसका रजिस्ट्रेशन करवानी थी बीएचएनडी। हमारे छोटे मोटे काम थे, तब हमें इंसेंटिव भी थोड़ा दिया जाता था, हम उसी में गुजारा कर रहे थे। लेकिन टाइम बदला तो सरकारें भी बदली, सरकारें बदली तो आशा का काम भी बदला। आज बोलते ऑनलाइन करो, क्या करें ऑनलाइन, 2000 आप पूरा देते नहीं हो, ऊपर से ऑनलाइन करने के लिए फोन चाहिए, आशा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फोन लेके ऑनलाइन करे। सरकारों के पास हर रोज कोई ना कोई नया स्कीमें लागू होती है, आशा वर्कर के लिए कुछ नहीं है। 2000 में सर बताओ किसी के घर की सब्जी रख नहीं आती है। एक आशा, हमारी कुछ आशा वर्कर हैं जो इसी प्रोफेशन पे डिपेंड है, वो 2000 में अपना बच्चा पालेंगी, पढ़ाएंगी या सिलेंडर लाएंगी, जब बिजली का बिल पे करेंगी, जब कुछ और करेंगी। सरकार को चाहिए हमारी आवाज़ सुने, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। हम आशा वर्कर रोड पे आज बहुत ही अफसोस की बात है इस सरकार से कि आशा वर्कर आज रोड पे किस लिए है, जिस सरकार की वजह से है, क्योंकि सरकार ने हमें पहले 1000 पे रखा था, 1000 का बड़ी मुश्किल से 2000 किया, अब 2000 के इन्होंने 8 काम दिए थे, 8 काम से अब 60 काम है हमारे पास। कभी ये काम करो, कभी ये काम करो, सर पे मतलब दिन रात हमारे 24 घंटे काम है, लेकिन सरकार ने पैसे आज तक हमें नहीं बढ़ाए हैं, वही 2000 में काम लेते हैं। हमारा आज के ज़माने में 2000 कौन लेता है, मुझे बताओ। कोई सफाई कर्मचारी किसी के घर में कोई काम भी करती है ना भाई वाली, वो भी कहती है मुझे 5000 से या 10000 लूँगी मैं ये काम करने का। अरे हम सरकार को इतना काम करके दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ इम्यूनाइजेशन पहुँच गई है। हमारी डिमांड है कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, अगर इनको सैलरी भी नहीं दे सकते कम से कम स्टेट के हिसाब से हमें 10000 तो मिलना चाहिए, जो बाकी स्टेटों में है कोई हमें भी दे दे, जो सरकार तो इनका क्या जाता है, हम क्यों रोड पर निकलेंगे।